Assalamu alaikum friends, this is Dr. Sameed Saeed RPH and you are watching my YouTube channel Dr. Sameed Saeed RPH. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल के बारे में जो कि हमारी डेली लाइफ रूटीन के अंदर बहुत ही अहमियत का हामिल है. हमारा खून बनाने के अंदर इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. हमारा रेड ब्लड सेल काउंट मेंटेन रखने में इसका बहुत अहम रोल है. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आयरन की जो कि आपके रेड ब्लड सेल्स को बनाता है. ऑब्वियसली अगर इसकी कमी हो जाए तो आपके जिस्म के अंदर खून की कमी हो जाती है या जिसको डॉक्टर्स की ज़बान में एनीमिया भी कहा जाता है. आप थकावट महसूस करेंगे, आप थकापन महसूस करेंगे, सांस फूल जाएगा हल्का फुल्का काम करने से, थोड़ा बहुत चलने से. तो चलिए शुरू करते हैं कि आप इसकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं. और इसकी कमी को हम पूरा करने के लिए आज कुछ नेचुरल ड्रिंक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ 7 नेचुरल ड्रिंक्स जिनको पीकर आप आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं. सबसे पहले बात करें स्पेनिच, पालक का जूस जिसके अंदर आयरन जो है वो रिच क्वान्टिटी में मौजूद होता है. इसके साथ साथ इसमें वाइटामिन सी भी है जो कि आयरन की अब्जॉर्प्शन के अंदर मदद करता है. तो डेली 1 गिलास 2 से 3 पत्ते पालक के आप पानी में डाल के आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं जो कि आयरन का रिच सोर्स है. दूसरे नंबर पे बीट रूट आ जाता है जिसको चुकंदर कहा जाता है. चुकंदर का जूस हाई कंटेंट ऑफ आयरन का इसके अंदर मौजूद होता है बीट रूट के अंदर. और ऑब्वियसली ये आपकी आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के अंदर बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है. प्रून जूस, प्रून बेसिकली जो खुश्क आलू बुखारा होता है उसको कहा जाता है प्रून. तो इसके अंदर भी आयरन का कंटेंट जो है वो काफ़ी वाफर मकदार में मौजूद है. इसका 1 गिलास डेली इसके जूस का आप कंज्यूम कर सकते हैं अपनी आयरन टेक के लिए. पम्पकिन जूस की बात करें, जी हाँ, कद्दू का जो शरबत है, ग्रीन पम्पकिन्स होते हैं इसके साथ, आप इसके अंदर एप्पल्स, ग्रीन एप्पल्स ऐड कर सकते हैं तो ये भी रिच सोर्स ऑफ आयरन जो है वो प्रूव करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्रीन स्मूदीज, ग्रीन शरबत जिसमें आप नंबर ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या ग्रीन वेजिटेबल्स या ग्रीन फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपके पास ग्रीन टी आ जाती है, आपके पास पुदीना आ जाता है, धनिया आ जाता है, ग्रीन एप्पल्स आ जाते हैं जिसके अंदर आयरन के साथ साथ विटामिन सी भी मौजूद होता है और ये आपकी आयरन की कमी को पूरा करता है. लास्टली टोमेटो जूस, जी हाँ, टोमेटो जूस के अंदर आयरन और विटामिन सी दोनों ही मौजूद होते हैं तो ये आपकी आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करने में रोल प्ले करता है. विटामिन सी का नाम 2-3 दफ़ा मैंने लिया. विटामिन सी क्यों ज़रूरी है? विटामिन सी बेसिकली आयरन की अब्जॉर्प्शन को असिस्ट करता है. जब तक विटामिन सी मौजूद नहीं होगा तो आपका आयरन जो डाइट के थ्रू आप ले रहे हैं वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा. तो इसके लिए ज़रूरी है आप कोई भी जूस यूटिलाइज करें फॉर द सेक ऑफ आयरन इनटेक. तो उसके अंदर आप कोशिश करें लेमन या ऑरेंज का एक स्लाइस या उसको स्क्वीज करके उसका जूस जो है वो आप ऐड कर लें ताकि विटामिन सी जो है वो उसके अंदर ऐड हो जाए. फूड या डाइट की वजह से आपकी आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है या आयरन की अब्जॉर्प्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है. उसमें हमारे पास ऐसे फूड्स हैं या ड्रिंक्स हैं जिसके अंदर कैल्शियम कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है. इसके साथ साथ कॉफ़ी और चाय जो है अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में कंज्यूम करते हैं तो जी हाँ, वो आपकी मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन के साथ जो है वो हैम्पर करते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो सकती है. तो अगर आप आयरन की कमी का शिकार हैं, अगर आप थकावट महसूस करते हैं, अगर आप फटीग महसूस करते हैं तो आज ही अपने डॉक्टर से रुजू करें, अपना कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो टेस्ट कराएं ताकि आप आयरन सप्लीमेंट्स की तरफ जा सकें. इसी तरह की मज़ीद हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा डॉक्टर समीर सईद आरपीएच. और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें.